हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग डायरी। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल चीज़ी ब्रेड से बने हुए मैगी पॉकेट्स। आप इन्हें बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी को बहुत पसंद आते हैं। आप इन्हें इवनिंग स्नैक्स में भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चीज़ी मैगी ब्रेड पॉकेट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मेरी वीडियोस जल्द से जल्द पहुंचे। सबसे पहले हम ब्रेड पॉकेट्स की स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ मैंने एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। पहले इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच तेल। पैन गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ और इसे थोड़ा सा हिला लेंगे। गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे। अब डाल देंगे 1 बारीक कटी हुई गाजर। इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब डाल देंगे 1 बड़ी शिमला मिर्च कटी हुई। इसे भी मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने डाली है 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे भी मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब यहाँ मैं डालूंगी 1 कप पानी। एक कप पानी और डालेंगे तो यहाँ मैं टोटल 2 कप पानी डाला है। यहाँ हम 2 पैकेट मैगी का यूज करेंगे। उसके लिए मैंने 2 सैशे मैगी मसाला डाला है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पानी में बॉयल आ चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे मैगी और उसे भी अच्छी तरह से एक बार हिला लेंगे। ये देखिए सॉफ्ट हो गई है। जब तक ये ड्राई होती है तब तक इसे हम पकाएंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। हमें स्टफिंग बिल्कुल सूखी चाहिए। ये देखिए ये बिल्कुल सूख चुकी है। अभी बिल्कुल तैयार है स्टफिंग। ब्रेड पॉकेट्स को चिपकाने के लिए हम यहाँ एक घोल बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच मैदा और उसमें मिला देंगे थोड़ा सा पानी। ये देखिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। आप मैदे की जगह गेहूं का आटा या चावल का आटा भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने ली है वाइट ब्रेड। इसके किनारों को हम तेज चाकू से काट लेंगे। ये देखिए ये जो ब्रेड के किनारे काटे हैं आप इसे ब्रेड क्रम्स की तरह यूज कर सकते हैं इन्हें ड्राई करके। ऐसे ही हम दूसरी ब्रेड लेंगे, उसके किनारे भी काट लेंगे। अब हम ब्रेड को बेलन से अच्छी तरह से बेल लेंगे। अगर आपकी ब्रेड ड्राई है तो आप उस पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और उसे अच्छी तरह से हल्का सा प्रेशर देकर बेल लेंगे। ज़्यादा भी नहीं दबाएंगे नहीं तो ब्रेड खराब हो जाएगी। ये देखिए हल्का सा इसको काट लेंगे साइडों से। जो हमने मैगी की स्टफिंग तैयार की थी 1 चम्मच उसे ब्रेड के ऊपर रख देंगे। अब इसके ऊपर रख देंगे प्रोसेस्ड चीज़। कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, मोज़रेला या कोई भी और चीज़। और इसके किनारों पर जो हमने पहले घोल बनाया था उसे लगा देंगे ताकि ये ब्रेड आसानी से चिपक जाए। ये देखिए और इसे दबाकर अच्छी तरह से एक पॉकेट बना लेंगे। ये देखिए और इसे अच्छी तरह से दबा देंगे साइड से ताकि इसकी स्टफिंग ऑयल में निकले ना। ये देखिए ये हमारा पॉकेट तैयार हो गया है। इसे हम हॉट मीडियम तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये कुछ ही सेकंड्स में अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। ये देखिए बढ़िया से इसमें कलर आ गया है। इसे हम बाहर निकाल लेंगे एब्जॉर्बेंट पेपर पर। ऐसे ही हम बाकी के ब्रेड पॉकेट्स को भी फ्राई कर लेंगे। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट में ये बिल्कुल फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए
ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें भी हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं पॉकेट्स। मैगी ब्रेड पॉकेट्स के लिए हम यहाँ बनाएंगे एक मज़ेदार डिप। उसके लिए मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप, 1 बड़ा चम्मच मेयोनीज और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच चाट मसाला पाउडर और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी डिप बनकर तैयार है। अब मैगी ब्रेड पॉकेट्स के साथ टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन्हें हम सर्व करेंगे 1 शॉट ग्लास में। उसके लिए पहले हम इसमें डाल देंगे बनाई हुई डिप। इसके साथ ब्रेड पॉकेट्स बहुत टेस्टी लगते हैं। अब इसके हम रख देंगे चीज़ी मैगी ब्रेड पॉकेट। तो ये हमारे चीज़ी मैगी ब्रेड पॉकेट्स बनकर तैयार हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।